नमस्ते दर्शकों, ये है स्वाति तिवारी का व्लॉग। स्टेशन को सब्सक्राइब करिए तो थोड़ा हाय वंस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आपके। तो फाइनली गाइज, यूट्यूब के इनविटेशन पे मैं पहुंच गई हूँ गूगल ऑफिस गुड़गांव। ये यहाँ पे आना एकदम ड्रीम के जैसा था। सोचा भी नहीं था कभी गूगल ऑफिस आऊँगी मैं। ये तो हमने ऑनलाइन ही देखा था कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, और ये एकदम ड्रीम जैसा था। और मैं बहुत पहले पहुँच गई थी यहाँ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए बहुत पहले पहुँच गई थी। और एक आध दो लोग दिख रहे होंगे बस, और बैठे बैठे बोर हो रही थी कि और कोई आए मेरे पहचान के, मेरे पहचान के आए, बट पहचान के तो नहीं आए। पर हाँ, वहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त मैंने ज़रूर बनाए, कुछ अच्छे दोस्त जो शायद लाइफ टाइम मेरे दोस्त बने रहेंगे। और वेट कर रही थी मैं, आगे कुछ लोग बैठे हुए थे, सोच रही थी उनसे बात करूँ ना करूँ, और इसी कसमें थी। बट पता नहीं कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि मैं जल्दी से लोगों से बात नहीं करती, घुलती मिलती नहीं हूँ। तो थोड़ा वेट किया कि चलो कोई आए बात करे मुझसे। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे गाइस। इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए थे, कोई हैदराबाद से, कोई तमिलनाडु से। ये जो भैया दिख रहे हैं जो साफा बांधे हुए अपने सर पे, वो हैदराबाद से आए थे, कुछ सूरत से आए थे, कुछ नॉर्थ से आए थे, इससे आए थे, सारे इंडिया में सारी जगह से यहाँ पे क्रिएटर्स आए थे। और नाम बताओ अपना। सोनालिका। आ जाओ बाहर चलते हैं, देखते हैं। हाय मैम, हेलो। Hi. नाम बताओ अपना। Binay Fur, my channel name is Beauty by Binay Fur. Guys, सब सब्सक्राइब करो इनको। Thank you. Hello, मुझे भी कर लो सब्सक्राइब। नाम बता दो। अनमोल मिश्रा, Free Exotic Pack. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है गाइज, जरूर देखना। ओ वाव, नाइस गाइज, सब सब्सक्राइब कर लेना, सब लोग सर्च करके। चलो मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये अंदर का व्यू है। सारे दोस्त बन गए हैं, हम सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट मैं बहुत डर रही थी क्या कैसे कैसे सबसे मिलूंगी, क्या करूंगी। बट नाउ यार, जिन लोग गूगल में जॉब होगी जिनकी, उन लोग कितने मज़े करते होंगे। कितनी प्यारी जगह है यार, कितनी प्यारी प्लेस है, आप सब देख सकते हो। यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्राउड सा फील हो रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था गाइज। बहुत बहुत, आप सब देख सकते हो, सब तरफ गूगल का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे गूगल ऑफिस में, ये सब आप देख सकते हो। और हमारा सिग्नेचर टावर डी पे हमारा इवेंट था, और बहुत अच्छा इवेंट था, स्टार्ट होने वाला था। सो अभी हम लोग वेट कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ था, तो थोड़ा गूगल जस्ट जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। नेम्स और फोटो बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़ा सेलिब्रिटी हूं, आप सेलिब्रिटी हो, वी प्रोटेक्ट यू। तो आ गए हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और सब लोग को एक टैग मिलेगा और एक बैंड मिलेगा, उसके थ्रू ही हम अंदर जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए गूगल ऑफिस में आना बहुत मुश्किल है गाइस, जब तक आपकी आपको वो लोग अलाउ ना करें। ये देख सकते हो आप लोग, सबको एक एक अलग अलग बैंड दिया जा रहा है। हम सबको मेल किया गया था, मेल के थ्रू कंफर्मेशन था, एक एक सबके लिए स्कैन स्कैन के साथ नेम अटैच्ड एक स्लिप थी जिसपे हमारा नाम वाम सब था। और उसके बाद हमें सब दिया गया, ये बैंड दिया गया, आप सब देख सकते हो ये बैंड हमें बांधा जा रहा है, ये प्रूफ है कि हम रजिस्टर्ड हैं। और ये आप सब देख सकते हो ये लोगो, ये स्लिप, और ये इसको रेड मिला, रेड ऑरेंज और ग्रीन सबको अलग बैठना आपको मिलेगा लग रहा है। अपना बैंड दिखा दो। एक तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं, स्कैन करके सब अंदर जा रहे हैं अपन। वाओ गाइस, यहाँ तो खाने पीने का है, और मैं खा नहीं सकती, क्या बताऊँ। वाओ, यहाँ गेम भी है गाइस,
क्या है तो जूस वूस फ्रूट वूट खाना खाऊंगी मैं लग रहा है स्वाति गाइज ये हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट किया गया था आप सब देख सकते हो कितना कुछ है खाने के लिए और ये बुड्ढी के बाल कॉफ़ी और बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए और मतलब आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को इस तरीके से बहुत यम्मी लग रहा है ना बट क्या फ़ायदा मेरा गाइज ये सब देख सकते हो आप सब ये सब छूट जाएंगे मेरे तो हमने डिसाइड किया सबसे पहले हम कॉफ़ी पीते हैं गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पे एक मशीन रखी हुई थी उस पर कैफे लाते लाते या लाते जो भी है और कैपेचिनो ये सारे उसमें ऑप्शंस थे जिससे वो कॉफ़ी बन जाती और बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती थी भाई इतनी ज़्यादा शुगर डाल दिया सब खाने वाले हैं भाई ये देखो इस औरत को देखो गौर से देखो ऐसी होती जा रही है हाँ डाइट पे जी सुबह सब लोग खाने पीने और एक दूसरे से मिलने में लगे हुए हैं गाइस सब क्रिएटर्स एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए हैं आप सब देख सकते हो और यहाँ पे स्टार्ट होता है गेम और ये बगल में जो आंटी खड़ी है बहुत प्यारे आंटी हैं बहुत अच्छी और ये गेम मैं और अनमोल खेलना स्टार्ट करते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये दो लोग नहीं खेल सकते ये सिंगल लोगों का गेम है बट हम दोनों ने स्टार्ट कर दिया बाद में जब स्कोर आया तो पता चला अरे ये तो एक ही बंदे को खेलना था हम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया बट बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत वहाँ यूट्यूब की जो टीम थी ये जो ब्लैक शर्ट में है वो लोग बहुत सपोर्टिव थे अब मैं मेरा गाइज ये जो बंदा था ये बहुत क्यूट था और बहुत अच्छा था इसने मेरा बैग पकड़ा मुझे भी नहीं पता मतलब मैं तो बस ऐसे पकड़ा रही थी क्योंकि आंटी एक बैग पकड़ लो मेरा मैं खेल लेती हूँ बट आंटी की जगह उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के खड़े रहे और जब तक मैं गेम नहीं खेला मैंने तो ऐसे बहुत अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं और यूट्यूब की टीम से थे ये और जो गेम को हम लोगों को गेम खिला रहे थे और कंटिन्यू देख सकते हो आप सब कि बकायदा सपोर्ट कर रहे थे इतना सपोर्ट कि बेचारे ने मेरा बैग भी पकड़ लिया यार इनकी जो गर्लफ्रेंड होगी ना वो बहुत लकी होगी सीरियसली बहुत लकी होगी कौन पकड़ता है भाई किसी का बैग वो भी अननोन पर्सन का बट इन्होंने वहाँ पर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और बिल्कुल सपोर्ट किया तो ये चीज़ बेस्ट थी और यहाँ पर आप सब देख सकते हो हम लोगों ने मैंने बहुत गोल किए अनमोल थोड़ा पीछे रह गया मेरे से आज मुझे पता चला कि मैं अच्छी प्लेयर हूँ जीती हूँ और ये हार गया गाइस बहुत मजा आया गेम खेलने में कहाँ गई वो कहाँ गई आज इवेंट ओपन हो रहा है हम जा रहे हैं इवेंट गाइस ये ऑडिटोरियम में जा रहे हैं हम लोग शायद यहाँ परफॉर्मेंस होगा और हमें ये मिला हुआ है अब देखते हैं कैसे बैठते हैं कहाँ बैठना आगे बैठेंगे हाँ राइट आगे बैठेंगे आ जाओ इतना पीछे नहीं लेट्स गो लेट्स गो आगे बैठेंगे नहीं बैठते ना एक ही बची थी मैं गाइस फ्रंट में एक ही सीट बची थी तो इसलिए मैं बैठ गई मेरे सारे दोस्त गुस्सा होके पीछे चले गए और वो बहुत गुस्सा हो गए कि सामने में तुम अकेली बैठ गई हम सब पीछे चले गए तो गाइस एक ही सीट बची थी जो मिले उसे तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए वेट नहीं करना चाहिए तो वो मैंने किया सॉरी दोस्तों आप सबको बुरा लगा होगा लेकिन यहाँ पर बैठने से मुझे एक और दोस्त मिल गया राहुल फिर हमने कुछ स्टेज पर शूट्स किए तो
फिर बी प्राक का गाना जो आने वाला है वो सामने प्ले हुआ, और ये है मेरा दोस्त राहुल जो डांसर है, बहुत बेहतरीन डांसर है, बहुत अच्छा डांस करता है। और बाकी के सारे फ्रेंड्स इस तरह बैठे हुए हैं, वो लोग मुझ पे गुस्सा हैं बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा रूठना मनाना चलता रहता है। और मैं भी अच्छी जगह पे बैठी हुई थी सामने, बट बी प्राक का टाइम चेंज। इशिता ने हमें गाइड किया, वो आई और उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इवेंट के बारे में बताया। ये हमारी मैनेजर हैं सबकी, इशिता बहुत टैलेंटेड है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। बहुत सारे लोग सूटकेस लेके आए, मैं खुद का सूटकेस भी लेके आई हूँ, सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब इतने दूर दूर से आए हो। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। हमने अभी बी प्राक का गाना भी बजाया, ऑफ कोर्स वो शाम को यहाँ आएंगे, ही विल बी परफॉर्मिंग लाइव, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव So for those of you who don't know me, my name is Ishita. I'm a partner manager. ऐसे काफी लोग shorts upload करते हैं, video upload करते हैं mobile के through, तो आपको already flow ज़्यादातर पता है, लेकिन अगर आप plus sign पर press करते हो तो आपको एक option मिलता है। इसके बाद हमें पता चला कि ये जो बैंड दिए गए थे वो अलग अलग टीम के लिए दिए गए थे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ये सब टीम बनी हुई थी और सबको हम लोग को एक कंपटीशन करना था एक दूसरे के साथ, क्रिएटर टीम को। तो आप तो हैप्पी हो, है ना, क्योंकि इनको नॉनवेज शादी हुआ और मुझे बिरयानी मिल गई, बिरयानी है और क्या चाहिए। और अनहैप्पी ये है, ये क्या है, सबको नॉनवेज वाली, नॉनवेज के साथ सब सौम्य का मुंह दिखा रहे हैं, हैप्पी फेस अभी पूरा, और ये वेज है, अरे अरे नॉन वेजिटेरियन और हम भी है, कुछ नहीं मिला। सी नॉन वेजिटेरियन अलग बात है, मैं हैदराबादी हो, बिरयानी मिल गई, बेस्ट थिंग। बहुत बेकार, बहुत बुरा, बहुत बुरा, राइस भी नहीं मिला, जो फीडबैक की बारी है ना, फीडबैक की बारी ना, हाँ हाँ हाँ, फूड के लिए ना, हाँ -5 होना भी तो चाहिए उसमें, -5 देना हमें। सब परेशान है गाइस, क्योंकि मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है और यहाँ पे पूरा नॉन वेजिटेरियन फूड था, तो सब परेशान है बहुत ज्यादा, है ना। और ये लंच टाइम हो गया था और लंच में सिर्फ बहुत मैक्सिमम चीजें नॉन वेज थी, तो जो वेजिटेरियंस थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो सब कंप्लेन कर।